हेलो एवरीवन, दिस इज रूबी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल रूबी शहराबाद ब्लॉग। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ इन द लुक थर्सडे मार्केट की एक और श्रृंखला, एकदम लेटेस्ट तड़कता भड़कता ब्लॉग। और कल कौन कौन मार्केट गया था मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, क्या क्या शॉपिंग की आप लोगों ने ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसी नॉन शॉप्स में जाते हैं और जब मुझे लिख के बताते हैं हमने ये शॉपिंग की है, क्योंकि मैं जाती हूँ तो मैं हर बार कुछ ना कुछ ज़रूर शॉपिंग करती हूँ, जैसे कि आपको मेरे हॉल वीडियो से भी आइडिया होता जा रहा होगा। ठीक है, और जो नए हैं चैनल पे उन्हें मैं बता दूँ, इस मार्केट में आने के लिए आपको थर्सडे वाले दिन ही आना होगा। ये एक पटरी मार्केट है, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इंदरलोक का है, गेट नंबर 5 से आपको एग्जिट करना होगा और उसके नीचे से ही ये मार्केट स्टार्ट हो जाता है। कल मॉर्निंग में पटरी मार्केट ऑलमोस्ट लगा था, मतलब जो मेट्रो स्टेशन के नीचे का मार्केट है वो 8:30-9 बजे धीरे धीरे लगना शुरू हुआ था, लेकिन वो बस इतना ही लगा था कि एमसीडी वाले आ रहे थे तो हट जा रहा था, और जब चले जाते थे तो बस लग रहा था। बहुत एक तो कहते हैं ना, अच्छी तरीके से नहीं लगा था मेट्रो स्टेशन के नीचे का मार्केट। और मार्केट के अंदर की बात की जाए तो 10 बजे तक तो बहुत अच्छे से लग रहा था, लेकिन बाद में बाहर का जो ब्लू कलर का ट्रांसफॉर्मर है ना, उसके बाहर का जो भी था ना वो हटा दिया था एमसीडी वालों ने। हटा रहे थे बस, वो लग रहा था, उठ रहा था, इस हिसाब से था। तो उस इन सारे उठने बैठने के हिसाब के बावजूद भी आप लोगों ने शॉपिंग की है तो ज़रूर बताना। बाकी शॉप सारी ओपन थी, शॉप्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अंदर मार्केट में जो पटरी लगा था ना उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, आराम से सब लोगों ने शॉपिंग की। और बहुत ज़्यादा गर्मी थी भाई, इसलिए सुबह के टाइम पर आना प्रेफर किया करो, बस मेरी मानो तो। ये जो मैं शॉप पर लेकर आई हूँ, ये मैं पहले भी आपको लेकर आई हूँ इनके पास, ये लहंगे लाते थे। इस बार भैया ना ये इस तरह के बड़े टॉप लेकर आए हुए थे, 1 पीस 100-150 वाले थे, और उसके अलावा इस तरह के लहंगे भी थे। इनके लहंगों की इस बार जो शुरुआत थी वो 1200 से थी और 3500 तक की रेंज में थी, इसलिए मैंने सब एक ही के साथ ही लगा दिया है सारे लहंगे। और मुझे कोल्ड हो रखा है, बहुत ही गंदे वाला कोल्ड हो रखा है इस बार तो, मतलब इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी ऐसी लग रही होगी आप लोगों को, तो बेयर करना प्लीज़। ठीक है, थोड़ा अच्छे वाला कोल्ड होता तो सहन हो जाता, पर क्या कर सकते हैं, कोल्ड कोल्ड जाने में भी बहुत टाइम लगता है, पता नहीं इतनी गर्मी में कोल्ड कैसे हो गया मुझे। ठीक है, ये आगे है शॉप, ये सारे बॉयज़ की टी शर्ट्स दिखा रही हूँ मैं, सब आपको 200 की रेंज में मिल जाएंगी। इसमें आपको जो 4XL और 5XL जो बड़ा साइज़ है ना वो आपको 250 का मिलेगा, बाकी आपको मीडियम टू एक्सेल मतलब स्मॉल टू एक्सेल डबल एक्सेल तक के साइज़ 200 रुपये में मिल जाएंगे। यहाँ पर मेरी एक व्यूअर मुझे मिली थी नेहा जी, ये वही मेरे लिए ना हैंगर्स को आगे पीछे कर रही थी। थैंक यू नेहा जी इतना करने के लिए, कुछ कुछ लोग बहुत स्वीट होते हैं, मतलब मैं एक हाथ से क्योंकि करने में लगी थी तो उन्होंने मुझे हेल्प करा था यहाँ पे। ये सब जो टी शर्ट्स आप देख रहे हैं ये 200 रुपये में आपको मिल जाएंगी। ये मैं पता कहाँ, जहाँ मोइन भाई शॉप लगाते हैं ना, इसके बाद मैं आपको वहीं लेके जाऊँगी, बिल्कुल वहीं पर ही, पहले यही मिलेंगे आपको, इनके आगे मोइन भाई अपनी शॉप लगाते हैं जैसे ही आप सबा नर्सिंग होम से एंट्री करेंगे। अच्छा, मैंने लोकेशन बता दी आपको मैं कौन सी गली दिखा रही हूँ आज आपको, सबा नर्सिंग होम वाली जो गली है ना वो मैं आपको पूरी दिखाने वाली हूँ। सबा नर्सिंग होम से सीधा आगे चलेंगे, अमूल मिल्क का बोर्ड जो सामने आएगा, टी पॉइंट, टी पॉइंट से राइट होंगी मैं। ओके, आई होप अंडरस्टैंड कर गए होंगे आप। उस शॉप से आगे है ये मोइन भाई की शॉप। इस बार भैया 2-4 चीज़ें अलग से लाए थे, कुछ तो ये लेकर आए हुए थे बच्चों के ज्योमेट्री बॉक्स इस तरह के, ये ज़्यादातर बॉयज़ वाले थे, गर्ल्स वाला भी था शायद एक, आई थिंक एक था, पर ये बॉयज़ वाले थे। और ये देखिए आप, ये क्या चीज़ है, किस किस ने इसे पहले देखा हुआ है ऐसी बोतल को, मैं अभी इसे ओपन करके दिखाती हूँ आपको। ये देखो ये क्या निकला इसके अंदर, ये है इसके अंदर अम्ब्रेला छाता है, ये इतना सुंदर तरीके से रखा हुआ है भैया, इसे आगे खोल के भी दिखाएंगे, बने रहना देखना अच्छे से। इस तरह के छोटे छोटे कूलर टाइप मिल जाएंगे, वाटर कूलर, बहुत छोटा है ये, आई थिंक 2 लीटर का होगा, आई थिंक सो। इस तरह के आपको पानी के मयूर जग जैसे होते हैं ना वो मिल जाएंगे। ये देखिए ये कूलर है, ये कूलर मतलब फैन चल रहा है ये, साथ में इसमें हवा आ रही है और ऐसे लाइट्स ऑन होती हैं। ये 600 रुपये का भैया ने बताया था, बहुत ही अच्छा था। और जो अम्ब्रेला है ना वो 250 रुपये की थी, अगर मैं रेट बताना भूल गई हूँ, आज काफ़ी सारी चीज़ें भूल रही हूँ बताना बार बार आपको, कोल्ड में दिमाग खराब। ये देखो भैया ने छाता निकाली है उसमें से, ऐसे बंद हो जाती है, बहुत ही कूल लगी मुझे, मैंने पहली बार देखा था ऐसा कुछ। आपने पहले देखा है तो बताना मुझे ज़रूर, नहीं तो यहाँ से आके लेके जा सकते हो जिसे नहीं पता है तो। ठीक है,
मैंने नहीं ली, बट मैं शायद इसे नेक्स्ट टाइम ले लूँगी, भैया के पास रहता है ऐसे अवेलेबल स्टॉक। ठीक है, ये मैं आ गई हूँ आमिर भाई की शॉप पे। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 250 वाले भी, भैया ने इस बार नाइट सूट रखे हुए थे, फुट बाहर टेबल पे लगाए हुए थे, ये मैं 350 वाले दिखा रही हूँ। और एक भैया के पास रैक होता है 450 वालों का जो सूट का होता है। इसमें आपको कॉटन और रेयन कॉटन मिलेगा, दुपट्टा किसी में होगा, 350 वाले सूट की बात कर रही हूँ, किसी में मिल जाएगा किसी में नहीं मिलेगा, 450 वालों में फिर भी मिल जाता है। साइज़ की बात करें तो डबल एक्सेल इनके पास हाईएस्ट होता है, उसके ऊपर साइज़ नहीं मिलते हैं, बहुत रेयर होता है जो 3XL कभी कभी मिल जाता है, एक दो पीस वो भी नहीं, तो डबल एक्सेल तक आप आराम से इनके पास आके शॉपिंग कर सकते हो। और सुबह सुबह ओपन हो जाती है भैया की शॉप 7 बजे, सुबह सुबह ना 7 बजे के आसपास गुड्डू भाई की, आमिर भाई की, इनके साथ जो साड़ी वाले भैया हैं, सलमान भाई की, अथर भाई की, इनकी ना कुछ भाइयों की हमारे शॉप ओपन हो जाती हैं। बाकी उधर गली नंबर 6 में नरेश भाई, राहुल भाई भी अपने फुटवेयर निकालना शुरू कर देते हैं मॉर्निंग में, तो अगर आप मॉर्निंग में आ रहे हैं तो ये सब चीज़ें आपको आराम से बिना धक्का मुक्की के शॉपिंग कर सकते हो यहाँ पे आके। और इनकी शॉप में तो इतनी भीड़ होती है ना आमिर भाई की, बाप रे, सुबह भी नंबर लगाना पड़ता है इनकी शॉप में एंट्री करने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी नहीं है साइज़ वाइज जो ये शॉप है, पर बस मिल जाता है नंबर कैसे तैसे करके। ये वाले 450 वाले दिखा रही हूँ मैं आपको, फैब्रिक सेम रहता है इनके पास, 450 से ऊपर की भी रेंज के होते हैं, पर यही मुझे इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी लगती है कि ज़्यादातर लोग यही शॉपिंग करके चले जाते हैं। मैंने वो अभी इतने कवर भी नहीं किए, भैया 4-5 पीस ही लगाते हैं जो थोड़ा बड़ा जो हाई रेंज के जो होते हैं। इनके पास कुछ कुछ ऐसे सूट आपको मिलेंगे ना जो आपको मीशो या मिंत्रा पे आराम से है ना बहुत हाई रेंज के मिलते हैं, और मैंने देखे हैं तो इसलिए बता रही हूँ। भैया कहते हैं मीशो पे तो मेरे यहाँ से ही जाते हैं जो सूट है, तो आए तो एक बार ज़रूर इनको, एक बार इनकी शॉप पे मत्था टेक के जाना, ज़रूर चेकआउट ज़रूर करना इनकी शॉप को। ये देखिए सब, ये मैं 450 वाली रेंज दिखा रही हूँ आपको। ये टेबल पे बाहर भैया ने लगाए हुए थे नाइट सूट है, इसमें आपको कुर्ती भी मिल जाएंगी, कुछ कुर्ती और पेंट के साथ मिल जाएंगी, दुपट्टा नहीं होगा, ये नाइट सूट मिल जाएंगे आपको एक्सेल साइज तक के, हाफ स्लीव का है और फुल पेंट है साथ में, ऐसी कुर्ती भी मिल जाएंगी, ये सब 250 की रेंज में थे। ये भैया की शॉप है, बाहर से इनका आउटर लुक है, एक ये कुर्ती लगाई हुई थी पेंट के साथ भैया ने, अच्छी लग रही थी ये, आई थिंक 550 वाली थी वो। देखिए सामने स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, साथ में सभा नर्सिंग होम है, वहाँ से आएंगे, ये आमिर भाई की शॉप है और ये रही वो शॉप। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। भैया ऑनलाइन नहीं देते हैं तो कॉन्टैक्ट मत करना, वैसे नंबर है, आपको मन कर रहे तो इनसे कुछ बात करनी है तो आप कर सकते हो। इनके बिल्कुल साइड में ये बेडशीट वाले भैया थे, ये ना ये वाली जो बेडशीट है ये 150 की रेंज में है, इसमें पिल्लो कवर आपको नहीं मिलेगा। और भाई साहब क्वालिटी इतनी अच्छी थी ना इस बेडशीट की, क्या बताऊँ मैं, ये 150 और जो डबल बेड की देंगे ये वो 300 की होगी, इसमें आपको पिलो कवर नहीं मिलेगा। देखिए साइज़ वाइज भी बहुत अच्छी, ये वाली जो है ना ये जो है ये 400 वाली है, इसमें आपको सब में पिलो कवर मिलेगा, ये भाई साहब यहाँ पे मिलेंगे। और बिल्कुल आमिर भाई की शॉप है ना जो उसके बिल्कुल साइड में है, इनकी शॉप सुबह सुबह ओपन हो जाती है, तो बिना हिचक झिचक के आप इनके पास जा सकते हो, करेक्ट। मैं आ गई हूँ सलमान भाई की शॉप पे, ठीक है। ये साड़ियाँ दे रहे हैं, रेंज मैंने सबकी लिख दी है, जिनका देखो मुझे पता होता है मैं लिख देती हूँ, जो भैया नहीं बताते ना मुझे फिर मैं नहीं लिखती हूँ। अब नहीं बता रहे, उनका मूड नहीं है बताने का, क्या करें, ज़बरदस्ती तो नहीं पूछा जाता। इनके पास देखिए कितनी सुंदर साड़ी है, थोड़ा बनारसी लुक में थी, अब प्योर बनारसी तो देखो नहीं मिल सकती 350 में, लेकिन इट लुक्स लाइक अ बनारसी साड़ी, तो यू कैन परचेस। ये एक ये वाली देखिए, मोर शायद बने हुए हैं इसके ऊपर, ये जो ब्लिंक हो रहा है आई होप आप लोग समझ के होंगे इनकी लाइट की, मेरे फ़ोन से दोस्ती नहीं होती है ठीक से। देखिए इस लुक में ये साड़ी है जो टंगी हुई है, जो मैडम ने पहनी हुई थी अभी। इनकी शॉप का साइज़ थोड़ा बड़ा है तो आप आराम से सुबह सुबह आके यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं, बट सुबह सुबह लोग आना जाना शुरू कर देते हैं। इनके पास आपको अनस्टिच सूट मिल जाएंगे कॉटन के, बहुत अच्छी क्वालिटी के। और ये बहुत भारी साड़ी थी ये पर्पल वाली, 350 की, यकीन भी नहीं हो रहा था मुझे, बहुत ही अच्छी पार्टी वेयर साड़ी थी, काफ़ी हैवी हैवी साड़ी थी जो मैं उठा के दिखा रही हूँ ना आपको, ये वाली भी। और ये जॉर्जेट में है साड़ी ना, ये जो मैंने अभी दिखाई, इनके पास ऑर्गेन्जा, जॉर्जेट, बनारसी सिल्क, कॉटन सब आपको 350 की रेंज में मिल जाएंगी।
बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा कैमरा भी नहीं बोलते ही हिलने लग गया, यहाँ कम हिल रहा है, यहाँ पे देखिए आप आराम से, ये री ब्लैक ब्यूटी भी टंगी हुई है, ये देखिए। और किस किसने मेरा हॉल वीडियो देखा है, नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर जाके देखना, चैनल पर अपडेट है, मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से मेरा हॉल वीडियो देखना, मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा था। मैंने सोचा है एवरी वीक मैं एक हॉल वीडियो डाला करूँगी, कोशिश किया करूँगी डालने की, अब वो कितनी सक्षम होती हूँ मैं वो देखा जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत शॉपिंग कर ली है और मैं कोशिश किया करूँगी हॉल वीडियो बनाने में, बड़ा मज़ा आता है हॉल वीडियोज़, इसलिए ठीक है ज़रूर बताना मुझे। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करो, व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दो और सब्सक्राइबर्स प्लीज़ लाइक कर दो, इतना ही तो कष्ट करना है यार, इतनी गर्मी में जाके तुम्हारे लिए कर रहे हैं तो कुछ तो बनता है ना करना मेरे लिए भी। ये देखो ये सूट दिखा रही हूँ मैं, एकदम बंदेज प्रिंट के हैं भैया के पास, बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, थोड़ा डिफरेंट रहता है डिज़ाइन इनका बाकी मार्केट से, एक ये ग्रीन वाला देखिए, इसका दुपट्टा बहुत अच्छा था हैवी, सब 350 की रेंज वाले हैं, और ये भैया खोल के दे रहे थे किसी को दिखा रहे थे एकदम, ये देखिए ग्रीन का दुपट्टा देखो कितना सुंदर है, हैवी एकदम, उसमें एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, ये सुबह सुबह इस तरह से भैया फैला देते हैं सारे सूट्स को, आपको लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं। वो रहा स्कूल, सबा नर्सिंग होम, आमिर भाई की शॉप, और ये है एडवोकेट वाली शॉप, इनका बोर्ड है एडवोकेट का, पर मिलेंगी आपको साड़ियाँ, यहाँ पे कोई वकालत नहीं होती है। इसके बिल्कुल सामने वाली शॉप है ये जिस पे मैं आई हुई हूँ, ये भैया पटरी पे लगाते हैं, टेबल लगा के भैया ने डिस्प्ले किया हुआ था अपने सारे सूट्स, और कुर्ती और पैंट मिलते हैं, देखो साइज़ मैं आपको साथ के साथ दिखा रही हूँ, 3XL 4XL मतलब 48 को कितना साइज़ होता है यार, मतलब 4XL होता होगा ना 48, तो आई थिंक तो वहाँ तक के तो साइज़ के मैंने इनके पास कुर्ती और पैंट देखी है, पैंट का साइज़ भी अच्छा बड़ा होता है, तो अगर किसी को बड़े साइज़ में तलाश है ना तो इनसे ले लीजिएगा प्लीज़, अगर ढूंढ रहे हैं तो। कॉटन का सूट मिलेगा आपको, कॉटन नहीं मतलब रेयन कॉटन का फैब्रिक, कोई कोई कॉटन होता है, देखिए पिंक और इसके साथ ऐसी ग्रे कलर की पैंट है, कंट्रास्ट में अच्छा भी लग रहा था, और ऐसे अगर किसी की इच्छा है तो यहाँ से आके लेके जा सकते हैं, इनके साथ आपको दुपट्टा नहीं मिलेगा, और ये वाले जो हैं ये 550 की रेंज में है, जो ऊपर टंगे इसमें आपको दुपट्टा मिलेगा, इसमें भी आपको साइजेस मिल जाएंगे, और ये स्ट्रेट में नहीं होंगे, नीचे वाले तो स्ट्रेट फिट हैं, ऊपर वाले आपको थोड़े फ्रिल उसमें लुक में मिलेंगे। आ गई हूँ मैं गुप्ता भाई जी के पास, और मैंने जैसे आपको अपने पिछले हफ्ते भी बताया था कि भैया 150 की दो लेकर आने वाली हैं, वो बिल्कुल भैया ने मुझे गलत कमिटमेंट किया था, इस बार भैया 250 वाली लेकर आए हुए थे, और भैया ने फिर से मुझे एक कमिटमेंट किया है कि मैं अगले हफ्ते पक्का लाऊंगा 150 की दो, एक्चुअली उनका ये कलेक्शन पूरा सेल आउट नहीं हुआ था तो इसलिए भैया इस बार 250 वाली लेकर आए थे। अमूल मिल्क का जो बोर्ड है उसके बिल्कुल नीचे भैया लगाते हैं, मैं आपको आगे लोकेशन दिखा दूंगी ठीक से, जिन्हें नहीं पता है ये जितने भी आपको आर्टिकल्स दिख रहे हैं सब 250 की रेंज में है, इसमें सैंडल पहली ऑफिशियल सैंडल, स्लीपर, जुत्ती सब आपको 250 की रेंज में मिलेंगी, हील वाली भी सब, ये देखिए पूरा है ना भैया ने एक साथ रखा हुआ है। वहां से आई मैं, ये रहा अमूल मिल्क का बोर्ड, ये टी पॉइंट है, और ये भैया ने यहाँ पे अपनी शॉप खोल रखी है ठीक है, ये टी पॉइंट से जब आप वहां से आएंगे, टी पॉइंट से मैंने राइट लिया है, आई होप आपको क्लियर होती जा रही है लोकेशन, राइट की तरफ मैंने अब चलना शुरू करा है और मैं सीधा सीधा ही चलूंगी ठीक है अब, और कहीं मुड़ने वाली हूँ नहीं मैं, आज की वीडियो में तो बिल्कुल नहीं मुड़ूंगी मैं, आपको आज सीधा सीधा ही दिखाने वाली हूँ। बिल्कुल इनके राइट में होते ही यहाँ पे एक आसमा ट्रेडर करके शॉप है, उस पर यहाँ पे मिल रहे थे ये सूट 350 की रेंज में, कॉटन के सूट हैं, और कैमरी कॉटन होता है ना उस सूट, उस फैब्रिक में थे ये, और कॉटन का ही दुपट्टा है, कॉटन की ही पैंट है इसमें, और इनके बिल्कुल सामने है एक वो भी सूट की शॉप है, सेम ऐसे ही मिलते हैं, तो इनके ऊपर आप बोर्ड से एक बार नोटिस कर लीजिएगा आसमा ट्रेडर करके, इनके पास आपको रेडीमेड अगर चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे 450 550 इस रेंज में आपको आराम से मिल जाएंगे। ये देखिए सारे क्वालिटी अच्छी थी इनके सूट्स की रेट के हिसाब से। इनके बिल्कुल सामने ये है 250 की रेंज में आपको मिल रहे हैं, वो देखिए अमूल मिल्क का बोर्ड है ना उसके इधर सामने, मैं वहाँ से यहाँ तक आई हूँ बस ठीक है। इससे आगे मिल रहे हैं बच्चों के कपड़े, ये जितने आप देख रहे हैं सब बच्चों के आइटम्स हैं, और इसमें आपको टीनेज बच्चों के बहुत अच्छे कलेक्शंस मिल जाएंगे,
160 की रेंज में आपको शर्ट टी शर्ट जो आप लेना चाहते हैं ना आप यहाँ से ले सकते हैं। देखिए कुछ भी आप ले जा सकते हैं, फुल स्लीव हाफ स्लीव की सारी टी शर्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। 12-13 साल के बेबी बॉयज जो हैं वो आराम से ले सकते हैं, इवन 15 साल तक के भी बच्चों के आपको यहाँ पे कलेक्शन मिल जाएंगे। चलिए इसी के साथ मैं अपना आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर, टाटा।